बिहार में नीतीश बाबू ने जितना अच्छा काम किए हैं वो लालू जी के राज में नहीं हो पाया है। आज जो है बिहार नीतीश के विकास की कहानी है। जी बिल्कुल बिल्कुल, दम आईना ये झलक रहा है, ये पब्लिक ऑडियंस को बिल्कुल दिख रहा है कि आईने की तरह ये झलक रहा है। ये राजधानी पटना की ये ऐतिहासिक बिल्डिंग है और इस तरह की कई बिल्डिंग है, लेकिन इसकी अपनी एक बिस्कोमान की अलग पहचान है। लोगों को जब बुलाना होता है या बताना होता है पटना के बारे में तो बिस्कोमान के बारे में पहचान बताई जाती है। आप सोच रहे होंगे कि बिस्कोमान की इस हाइट पे हम कैसे खड़े हैं, तो मामला वो नहीं है। मामला ये है कि राजधानी पटना की ऐसी दीवारें जो पहले सुनी थी या मिथिला पेंटिंग से सजाई गई थी, उन दीवारों पर 3D पेंटिंग बनाया जा रहा है और ये राजधानी पटना की खूबसूरती बढ़ा रहा है। पटना स्मार्ट सिटी प्रोजेक्ट के तहत इसकी शुरुआत हुई है। 3D पेंटिंग का मतलब आप उससे ये समझते हैं आसान भाषा में कि जो तस्वीर है वो आपको बाहर की तरफ निकलते हुए दिखती है। ये बिस्कोमान ऐतिहासिक बिल्डिंग है पटना में और ये NIT के सामने जो सबवे है गंगा के किनारे, वहाँ पर ये तस्वीर बन रही है, ये 3D पेंटिंग बन रही है और आप देखेंगे कि स्मार्ट सिटी पटना के तहत ये बनाया जा रहा है। राजधानी में कई ऐसे काम हो रहे हैं जो आपको दिखाई देगा और वो अलग तरीके से है। राजधानी पटना में पहली बार इसकी शुरुआत हो रही है। कई इलाकों में इस तरह की शुरुआत अभी तक हो चुकी है। आप देखिए तस्वीरों के माध्यम से कि किस तरह से नई नई चीज़ें बताई और दिखाई जा रही है और ये पटना के इतिहास के बारे में बताया जा रहा है। गंगा के किनारे गंगा आरती सबसे मशहूर है। जब यहाँ लोग गंगा आरती में शामिल होते हैं तो लोगों को धर्म के प्रति जो आस्था है वो होती है, लेकिन गंगा का जो नज़ारा है वो सबसे खूबसूरत है। गंगा की रवानी है और तस्वीरों की कहानी है। आप देखेंगे कि सब वॉल पे सारी चीज़ें हैं, वृक्ष की हिफाजत, सांसों के लिए, ऑक्सीजन के लिए सारी चीज़ें बताई गई है। उस बच्चे को देखिए जो गरीबी में गुर्बत में झांक रहा है। इसके अलावा कई ऐसी तस्वीरें बना करके संदेश दिया जा रहा है और ये जो पेंटिंग है 3D की शक्ल में बनाई जा रही है। सरकार की योजना भी है जल जीवन हरियाली, उसको लेकर के भी एक संदेश देने का प्रयास है। और NIT के किनारे लोग आम तौर से शाम में जमा होते हैं और बड़ी ही खूबसूरत तस्वीर बनाई जा रही है। आप देखेंगे कि यहाँ जो लोग हैं वो इसमें लगे हुए हैं। जैसा एक मिनट, ये इसके अलावा और कहीं पर आप लोगों का प्रोजेक्ट चल रहा है? जी हाँ, और भी कई जगह पे है ये प्रोजेक्ट। अभी फ़िलहाल ये अकम्प्लिश होगा, उसके बाद हम लोग अटल पथ पे लगेंगे। पटना में पहली बार ये 3D का कॉन्सेप्ट आया और आप लोगों ने इसको शुरू किया? जी हाँ, इससे पहले नहीं था, मिथिला पेंटिंग थी और बहुत सारी चीज़ें। जी जी, इससे पहले हमारा बिहार का जो ट्रेडिशनल आर्ट है, बिहार मधुबनी मिथिला एंड पटना कलम, वही सब ज़्यादातर चलता था। ये वेस्टर्न पहली बार आया यहाँ पे 3D आर्ट। तो सारी जो हिस्टोरिकल चीज़ें हैं वही आप लोग दर्शा रहे हैं? हाँ, हमारे कल्चर से ही रिलेटेड है ज़्यादातर चीज़ें। ये नगर निगम डिसाइड करके आपको देता है कि क्या आपको बनाना है? हाँ, टॉपिक तो वही डिसाइड करके देते हैं। इसके बाद आप अटल पथ जाएंगे? जी। तो यहाँ जो लोग हैं पेंटिंग बनाने वाले वो बना रहे हैं। राजधानी पटना में पहला ऐसा कॉन्सेप्ट है कि जहाँ 3D पेंटिंग की शुरुआत हुई है। आमतौर से राजधानी की सरकारी इमारतों पर मिथिला पेंटिंग के जरिए संदेश देने का प्रयास होता था, लेकिन आप देखेंगे कि नीचे जो है पहले वो मिथिला पेंटिंग बनी हुई थी, लेकिन अब वो उसकी जो खूबसूरती है, उसकी जो चमक है वो मात पर गई है। अब उसकी जगह पर 3D पेंटिंग ले रही है। गंगा के किनारे लोग आमतौर से शाम में जमा होते हैं और गंगा आरती का जो नज़ारा होता है यहाँ पर देखने लायक होता है, बहुत ही ऐतिहासिक है। आप देखेंगे कि जो गंगा के किनारे तस्वीरें बनाई जा रही है, एक तो अटल पथ है वो सबसे ज़्यादा खूबसूरत माना जाता है जो नए निर्माण में है। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने जब उसका उद्घाटन किया था तो कहा कि राजधानी से बाहर निकलने के लिए लोगों के लिए आसानी होगी। अब यहाँ के बाद जो है 3D पेंटिंग करने वाले लोग जो कारीगर हैं वो जाएंगे अटल पथ पे, राजधानी पटना और बिहार का जो ऐतिहासिक धरोहर जो चीज़ें हैं वो दर्शाया जाएगा। और यहाँ पर आप देख सकते हैं कि जो मरीन ड्राइव है उसका भी निर्माण कंप्लीट हो गया है, वो भी लोगों के लिए खोल दिया जाएगा। और गंगा के किनारे सबसे बड़ी बात है कि शाम के वक्त यहाँ आमतौर से छात्र जमा होते हैं और दिन में भी यहाँ लोगों का जमावड़ा होता है, पढ़ने लिखने वाले लोग होते हैं। और यहाँ पर 3D पेंटिंग जो है वो बनाई गई है पटना स्मार्ट सिटी प्रोजेक्ट के तहत, ये बनाया जा रहा है और संदेश देने की कोशिश की जा रही है। तो ये जो 3D का कॉन्सेप्ट पटना में आया है कितना लुभा रहा है? हम अभी हाजीपुर से आए हैं।
हमको इसके बारे में नो डाउट। आप दिख रहा है आपको ये संदेश दिया जा रहा है 3D के जरिए। नहीं तो पहली बार पटना में ये आया है इस तरह का, तो हम पहली बार हम देख भी रहे हैं कि 3D है ये और अच्छा लग रहा है जी। आप बताइए। बहुत अच्छा लग रहा है, आगे तक बढ़ाना चाहिए था हम लोग घाट तक आने के लिए। नहीं तो अभी पहला स्टार्ट हुआ तो बहुत अच्छा बना है जी। आप बताइए कितना मन को लुभा रहा है ये गंगा के किनारा और ये 3D। बहुत बढ़िया है, ऐसा होना चाहिए। पहले दूसरे स्टेट में कई जगह है लेकिन बिहार में नहीं था, पहली शुरुआत हो रही है। हाँ वही। आप बताइए। बहुत बढ़िया। नीतीश जी अच्छा कर रहे हैं। नीतीश जी तो अच्छा ही कर रहे हैं, क्या बोल रहे हैं। ऐसा कोई नहीं कर रहा है। कौन बनवा रहा है, सरकार बनवा रही है? सरकार बनवा रही है कि बेरोजगार। हमारे बिहार में नीतीश बाबू ने जितना अच्छा काम किए हैं वो लालू जी के राज में नहीं हो पाया है। आज जो है बिहार नीतीश के विकास की कहानी जी, बिल्कुल बिल्कुल आईना ये झलक रहा है, ये पब्लिक ऑडियंस को बिल्कुल दिख रहा है कि आईने की तरह ये झलक रहा है ये। आप बताइए जी, कितना अच्छा लग रहा है ये? बहुत सुंदर लग रहा है। आमतौर से छात्र यहाँ घूमने आते हैं जी, तो इधर गंगा और इधर 3D जी, बहुत अच्छा लग रहा है, बहुत स्मार्ट लग रहा है, लग रहा है दिल को। आप बताइए। हम तो खुद बना ही रहे हैं। आप बना ही रहे हैं। आपसे बात करना जरूरी है। ये आप ये बताइए कि लोग यहाँ आ रहे हैं, सेल्फी पॉइंट हो गया है, तस्वीरें लेने लोग आ रहे हैं, तो आपकी जो मेहनत है वो तो खून और पसीना बहाते हैं आप, जब लोग आपकी तारीफ करते हैं तो कैसा फील होता है? कैसा फील होता है, सब दिन यही काम कर रहे हैं, तारीफ से पेट किसी का पेट भरता नहीं है। और रही बात हम लोग का समाज के साथ साथ साफ सुथरा भी रखना जरूरी होता है, संदेश तो संदेश देना चाह रहे हैं। एक तो होता है बोल के, एक होता है हम लोग को पेंटिंग के जरिए, ऐसी जुबान जिसमें जुबान ना हो लोगों को बात अपनी पहुंचाई जा सके। तो हम लोग कुछ स्वच्छता पे है और एजुकेशन पे है, वो सब दिखा पानी कैसे वाटर वाला खूबसूरती चीज को लेकर, हाँ हरियाली को लेकर। आप बताइए कैसा लग रहा है 3D पेंटिंग? पटना में ये पहली बार देखने को मिल रहा है और ख़ास करके यूनिवर्सिटी के बगल में ऐसा चीज़ को लाना काफ़ी बेहतर लग रहा है कि स्टूडेंट के लिए एक मन को बहलाने वाला, और सामने गंगा और बगल में 3D, तो ये काफ़ी अच्छा काम किया जा रहा है बिहार सरकार द्वारा, और बगल में NIT है, तो सब चीज़ को देखते हुए अच्छा काम किया है और 3D लगा है यहाँ पे। तो आपने सुना जो युवा है वो बता रहे हैं कि गंगा की रवानी और इधर तस्वीरों की कहानी दो चीज़ें सबसे अच्छी है। शाम के वक्त आमतौर से युवा यहाँ जमा होते हैं, भीड़ काफ़ी होती है, और दिन में भी लोग यहाँ पढ़ने आते हैं। पटना विश्वविद्यालय के पीछे का ये इलाका है NIT, जहाँ लोगों की काफ़ी भीड़ होती है, इस तरफ पटना यूनिवर्सिटी और फिर पटना कॉलेज, तो यहाँ पर लोगों का जमावड़ा होता है और शाम के वक्त भी लोग यहाँ आते हैं। लेकिन ये जो तस्वीर है वो गंगा की खूबसूरती बढ़ा रही है। इधर मरीन ड्राइव की शुरुआत हो रही है, गंगा की रवानी है नीचे, और ये तस्वीर की कहानी है। कैमरामैन गौतम कुमार के साथ सीमा अख्तर, न्यूज़ फोर नेशन, पटना।